चीनी की कीमत 6 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति केजी हो जाती है, तो बताइए चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो। यहाँ देखिएगा, एक बात बताए थे पहले भी, अभी भी बता रहे हैं कि जब किसी भी चीज का दाम बढ़ेगा, किसी भी चीज का दाम बढ़ेगा तो सामान आपको कम मिलेगा, और किसी भी चीज का दाम घट जाएगा तो सामान आपको उतना ही रुपया में ज्यादा मिलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगला जो टाइप, मतलब इसी में टाइप आगे यही बात को हम लोग लागू करके बना देंगे। अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ जाए तो आपको वो चीज क्वांटिटी उसका कम हो जाएगा, और अगर किसी चीज का दाम कम हो जाए तो क्वांटिटी उसका बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर तीन तरीके से सवाल होगा, तीन तरीके के लोग होंगे। पहले प्रकार के लोग ऐसे होंगे कि अगर मैं 20 रुपया चाय पर खर्च करता हूँ तो मैं 20 ही रुपया खर्च करूंगा, चाहे दाम बढ़े या घट जाए। बढ़ गया तो कम पियेंगे और घट गया तो ज्यादा पियेंगे, लेकिन खर्च 20 ही करेंगे। एक प्रकार के ये लोग। दूसरा प्रकार के लोग हैं कि अगर आप दाम बढ़ाएंगे तो ये दाम जितना आप बढ़ाए होंगे उतना ये नहीं बढ़ा पाते हैं, हल्का बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, एक प्रकार के ऐसा आदमी होगा जो दाम जितना बढ़ा उतना अपना खर्च बढ़ा लेगा, तो वहां से सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि वहां से जो है ऐसे जगह से सवाल नहीं बनते हैं। सवाल आपको जो बनाना होगा वो वहां से बनेगा जहां पर लोग कमी या वृद्धि करेंगे। जैसे 20% दाम बढ़ा, हम भी 20 बढ़ा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक प्रकार का ऐसा लोग होगा कि अगर दाम 20% बढ़ा है तो ये खर्चा 15% बढ़ा पाएगा, पूरा नहीं बढ़ा पाएगा। एक ऐसा लोग होगा जो सामान कमी या वृद्धि में ये विश्वास रखेगा, ये दाम नहीं बढ़ाएगा। पहला चीज कि जितना में मिला हम ले लेंगे, जितना खर्च करते थे उतना। अब क्या है कि एक ऐसा आदमी होगा जो कहेगा कि मैं जितना खर्चा करता था मैं आज भी उतना ही खर्च करूंगा। बस क्या होगा कि अगर दाम बढ़ा तो सामान कम लेंगे, और अगर दाम घट गया तो सामान हम ज्यादा लेंगे। यहां देखिएगा तो हुआ क्या है। पहला सवाल है कि चीनी का दाम 6 रुपए प्रति केजी था और अब 7.5 रुपए हो गया, अब 7.5 रुपया हो गया, तो बताइए चीनी का प्रयोग कितना परसेंट कम कर दे कि खर्च में वृद्धि नहीं होना चाहिए। जितना पहले खर्च करते थे अभी भी खर्च उतना ही करना होगा। तो पहले दाम 6 रुपया था, अब दाम आपका 7.5 रुपया हो गया। यहां से दो सवाल बनता है, दोनों सवाल में आप गलती कर सकते हैं एग्जाम में, और अगर इस सवाल में गलत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका बेसिक कंसेप्ट खूब बढ़िया हो गया है। यहाँ अगर आप मिस्टेक नहीं किए तो आपका कंसेप्ट ठीक हो गया, क्योंकि इसी जगह मिस्टेक करने का दो तरीका होता है। पहला जो सवाल पूछा है उसकी बात कर लेते हैं। पहला सवाल उसने बोला कि मैं कितना परसेंट कम करूं खर्च। तो पहला चीज की अब हम जैसे दुकान हम गए, तो मान के चलिए हम चीनी पहले 6 रुपया में मिलता था, आज तो हम 6 रुपया लेकर के दुकान जाएंगे। लेकिन जैसे ही दुकान गए 6 रुपया लेकर के, वहां पर दुकानदार कहा कि नहीं दाम हो चुका है 7.5 और हम लेके गए हैं 6 रुपया, तो वो कहेगा कि आपका जो दाम बढ़ा है ना उतना मैं चीनी कम कर देता हूँ, क्योंकि अब हमको 6 रुपया लेके गए हैं तो हमको 6 रुपया क्या देगा, तो हमको चीनी कम करवाना होगा। तो हम कहेंगे कि हम 6 रुपया लाए थे, आप 7.5 रुपया दाम बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप बढ़ा कितना दिए 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया अगर आप दाम बढ़ाए हैं ना, तो 1.5 रुपया की चीनी कम कर लीजिए मेरा, मैं उतना ही खर्च करना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं कर सकता हूँ खर्च। तो आप कहेंगे कि मैं खर्च में कोई वृद्धि नहीं चाहता, आप सामान कम करिए। तो आप कितना का कम करेंगे 1.5 रुपया का, कितना में 7.5 में, क्योंकि दाम 7.5 चल रहा है। कितना रुपए का सामान कम करेंगे 1.5 रुपया का, कितना में 7.5 में, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 5 बार 5 से 20। आप कहेंगे कि मेरा 20% चीनी कम कर लीजिए ना, आप 20% मेरा चीनी कम कर लीजिए। पहला तरीका। दूसरा तरीका नहीं बल्कि दूसरा सवाल बनता है। सवाल ये पूछता है ना कि चीनी के दाम में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो अलग चीज है ये, वृद्धि परसेंट पूछेगा। तो देखिए, तो अरे यार कहाँ ध्यान रखता है,
देखिए ₹6 से दाम बढ़ करके कहाँ चला गया, ₹7.5 बढ़ गया। कितना दाम बढ़ा? ₹1.5 बढ़ा। किससे बढ़ा? ₹6 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 4 से 25 बार में। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन में दोनों होगा। अगर सवाल पूछा कि दाम कितना परसेंट बढ़ा तो 25%। अगर सवाल पूछा कि मैं खर्च कितना परसेंट कम कर दूं तो 20%। ये दोनों अलग चीज हैं और दोनों सवाल एग्जाम में बनते हैं। और अगर आप इस जगह पर मिस्टेक नहीं किए हैं तो बेसिक कंसेप्ट आपका खूब बढ़िया हो गया है। और बहुत सारे लोग का 20% और आंसर था। एक वस्तु का मूल्य ₹10 प्रति केजी से घटकर ₹8 प्रति केजी हो जाता है। एक व्यक्ति इसकी खपत में कितना परसेंट वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। दाम घटेगा तो भी खर्च को बनाए रखना है, दाम बढ़ेगा तो भी खर्च को बनाए रखना है। और इस बात को अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इसका अगला जो क्वेश्चन दूंगा वो पूरा पूरी इसी पर डिपेंड करेगा। तो एक आदमी क्या है कि यह भी खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, ये चाहता है कि मैं जितना पहले करता था आज भी उतना ही। पहले दाम ₹10 था और अब दाम ₹8 हो गया, तो दुकान में ये ₹10 लेके लिया होगा क्योंकि इसको जो चीज लेना था वो ₹10 खर्च करता है। तो जब ₹10 लेने गया तो उसको बोला जा रहा है कि दाम तो कुछ कम हो गया है, आपको ₹8 के मिलेगा। तो ये बोलेगा कि हमको 10 के सामान दो ना, तो आपको कहा जाएगा कि 10 का ही सामान अगर आप दीजिएगा तो जो सामान 8 में मिल रहा है आप ₹10 में लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ₹8 रहता तो 1 kg मिल जाता, तो 8 से ज्यादा मिलने वाला है। तो आप कहेंगे कि मेरा सामान आप बढ़ा दो, तो कितना आप दाम बढ़वा रहे हैं? ₹2 के सामान आप एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो यही चीज परसेंट में पूछ रहा है कि हम कितना परसेंट ज्यादा अपना खपत बढ़ा दे, कितना परसेंट बढ़ा दे कि मेरा खर्च वही के वही रह जाए। तो मैं ₹2 का चीज एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, किसमें मांग रहा हूँ? ₹8 में, क्योंकि ₹8 में ही अब दाम जुड़ाएगा। पिछला वाला में कितना से था? 7.5, 7.5 से ही दाम, क्योंकि जो बढ़कर या घटकर जो दाम हुआ है उसी के अनुसार हमको सामान मिलेगा। तो आपको मैं बोलूंगा कि ₹2 के एक्स्ट्रा दीजिएगा तो आप कितना में जोड़िएगा? ₹8 में, क्योंकि अब तो दाम ₹8 चल रहा है, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 4 बार में 4 से। आप बोलेंगे कि मेरा जो क्वांटिटी है वो 25% आप बढ़ा दीजिए, 25% बढ़ा दीजिए, ₹10 लेके आए हैं तो 10 का ही सामान चाहिए। बस फर्क होगा कि मेरा ये जो सामान है वो ज्यादा मिलना चाहिए। तो 25% अब अपना खपत को बढ़ा दीजिए, सेम खर्च रहेगा। चीनी की मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई और एक परिवार ने अपना खर्च भी 10% बढ़ा लिया। यदि मूल्य वृद्धि से पहले खपत 26 kg थी तो अब खपत कितना है? दो लाइन में देख लेते हैं, फिर एक लाइन में इस सवाल को देख लेते हैं। पहले देखिए समझिए, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी किसी भी प्रकार का सवाल होगा परसेंटेज से रिलेटेड, तो आप पहले उसका फ्रैक्शन बना करके रख लीजिएगा। 30% वृद्धि का मतलब होता है 130/100। 10% वृद्धि का मतलब होता है 110/100। अब मैंने बोला था कि मेन खेल है लैंग्वेज का, मेन खेल लैंग्वेज का। लैंग्वेज से अगर आप नहीं फंसे तो ये सारा के सारा सवाल ऐसे ही आप निकाल लेंगे। देखिए दाम बढ़ने से पहले हुआ क्या, इस चीज को समझिएगा। दाम बढ़ने से पहले किसी के यहाँ का खर्च 26 kg है, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ा है 30%, और ये आदमी अपना दाम सिर्फ और सिर्फ मतलब अपना खर्च 10% बढ़ाना चाहता है। अगर 30% दाम बढ़ा था तो 30% खर्च बढ़ाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पहले खाता था अभी भी उतना ही वो लेके जाता, लेकिन ये पूरा खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, सबसे पहले चीज कि अगर दाम बढ़ने से पहले 26 kg इसके यहाँ का खपत था और दाम बढ़ा है 30%, तो आपको बताए थे कि दाम अगर बढ़ेगा तो आपको सामान कम मिलेगा। तो अगर कम मिलेगा तो अगर मैं अपना खर्च वगैरह नहीं बढ़ाता तो उस हिसाब से मुझे कितना मिलता, अगर उतना ही पैसा में हम लेने जाते तो दाम बढ़ चुका है 30%, हमको पता है कि पहले 26 kg खाते थे, अब दाम बढ़ने की वजह से क्या मुझे 26 kg मिलेगा सेम प्राइस में? कम मिलेगा, तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर 10/13। यानी अगर हम मतलब दाम बढ़ने के हिसाब से अगर खरीदे होते तो हम 20 kg हमको मिलता। मतलब पहले हम लोग 26 kg खाते थे,
30% दाम बढ़ा, अगर उतना ही पैसा में हम दोबारा गए होते सेम पैसा लेकर के तो हमको सिर्फ 20 kg देता, अगर मैं अपना खर्च नहीं बढ़ाता तो इसका मतलब दाम का असर पड़ने के वजह से जो चीज 26 kg था वो चला गया 20 पर। अब बताइए कि 20 kg अगर मैं खर्च नहीं बढ़ाऊंगा तब मिलेगा, लेकिन मैं खर्च बढ़ाना चाहता हूँ 10%, तो 10% माने 11/10। अब बताइए हमको कि हमको दाम बढ़ने के वजह से 20 kg मिल रहा है, मैं अपना खर्च बढ़ाऊंगा तो 20 kg से ज्यादा मिलेगा कि कम? तो ये ज्यादा वाला फ्रैक्शन ऊपर, तो ज्यादा कौन है इसमें? 11/10। अब कई केजी मिलेगा? 22 kg जी। और 22 kg इसलिए मिल रहा है ना क्योंकि हम 26 kg पहले खपत करते थे, दाम बढ़ा है 30% और हम लोग सिर्फ खर्च बढ़ा पा रहे हैं 10%। इसलिए जो चीज हमको 20 kg मिलना चाहिए था अब हम सिर्फ 22 kg ले पा रहे हैं, लेकिन पहले कितना खपत करते थे तो हम 26 kg करते थे। बोलिए। हाँ एक बार देखिए, पहला चीज अब एक लाइन हम इसको बताते हैं उसके बाद फिर से सुनिएगा। देखिए अब हम अगर सब कुछ जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है तो हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि दाम बढ़ने से पहले 26 kg, दाम बढ़ा है 30% का मतलब 13/10। बताइए दाम बढ़ने से पहले 26 kg हमको सामान मिलता था, दाम बढ़ा है तो 26 kg से ज्यादा मिलेगा कि कम? कम मिलेगा। ये कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखेंगे, कम इसमें कौन है? 10/13। ये पहुंच गए दाम का असर जहां पर पड़ेगा वो। अब बताइए जो भी दाम का असर पड़ेगा अगर मैं अपना खर्च बढ़ाऊंगा तो मेरा क्वांटिटी कम मिलेगा कि ज्यादा? अगर मैं खर्च बढ़ाऊंगा तो क्वांटिटी कम मिलेगा कि ज्यादा? ज्यादा मिलेगा। तो इसमें जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा वाला ऊपर, तो इसमें फ्रैक्शन 11/10 है। ये काम खत्म हुआ दो बार में, 11 × 22 kg डायरेक्ट हम पहुंच गए। अगर स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं ध्यान से जानिए कि कब क्या असर पड़ा था। जैसे 26 kg पहले मिलता था 30% दाम बढ़ा यानी 13/10 हुआ, तो हमको पता है कि दाम बढ़ता है तो सामान कम मिलता है, तो दाम बढ़ गया है तो सामान हमको कम मिलेगा और सामान हमको पहले कितना मिलता था? 26 kg। जो भी फ्रैक्शन होगा बढ़ने या घटने का बना लीजिएगा, बढ़ने या घटने का जो भी फ्रैक्शन होगा उसको बना लीजिएगा और उसके बाद फिर सोचिएगा कि अगर मुझे 26 kg मिलता था और दाम बढ़ गया है तो हमको कम मिलेगा, और जो भी फ्रैक्शन होगा वो कम वाला ऊपर कर दीजिएगा। दाम का असर पड़ने की वजह से 26 kg वाला चीज आपको 20 kg मिल रहा है। अब आप फिर चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा दाम बढ़ा लूं, तो अगर आप नहीं दाम बढ़ाते तो आपको 20 kg मिलता, अगर आप अपना खर्च बढ़ा रहे हैं तो आपको 20 से ज्यादा मिलेगा। तो आप खर्च कितना बढ़ा रहे थे? 11/10। तब आप खर्च बढ़ा रहे हैं तो आपको क्वांटिटी मिलेगा ज्यादा, और क्वांटिटी ज्यादा मिलेगा तो इसमें ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर काटेंगे और आंसर आएगा 22 kg। अब आपको वो चीज 22 kg मिलेगा। चाय के मूल्य में 25% कमी हो गई, एक परिवार अपना खर्च 15% कम कर लिया, चाय के प्रारंभिक खपत 30 kg थी तो अब खपत कितना है? फिर दोनों हिसाब से बनाएंगे। पहले ये बताइए कि दाम अगर कम होगा तो सामान आपको क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। तो दाम घटने से पहले आप 30 kg लाते थे, दाम घटने से पहले आप 30 kg लाते थे और दाम घटा है 25%, 25% मतलब 75/100, 3/4। तक अगर 30 kg पहले सामान आप लाते थे उसी दाम में, सेम दाम में फिर जा रहे हैं खरीदने और दाम घट गया है, तो सामान आपको ज्यादा मिलेगा कि कम? ज्यादा मिलेगा। तो इसमें जो ज्यादा वाला फ्रैक्शन है वो ऊपर रखिए, तो 4/3। जो आप 30 kg लेने गए थे, जो आप 30 kg लेने गए थे उस दाम घटने के वजह से अब आपको उतना ही पैसा में 40 kg दिया जा रहा है। तो अगर ये 40 kg दिया जा रहा है तो क्या आप पूरा 40 लेने के लिए तैयार हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि जो भी खर्च होता था, मतलब अगर हम अपना खर्च में कमी वृद्धि नहीं करते तो हमको वो चीज 40 kg मिलता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब 40 kg न खरीदूं बल्कि अपना खर्च 15% कम कर लूं। तो 15% कम का मतलब 85/100। अब बताइए काटेंगे तो 17/20। अब बोलिए कि 40 kg हमको वो दे रहा है, मैं अपना खर्च कम कर रहा हूं चाहे जितना परसेंट करूं,
मैं अपना खर्च कम कर रहा हूँ तो सामान मुझे इससे ज्यादा मिलेगा कि कम? कम मिलेगा। तो इसमें जो फ्रैक्शन होगा वो कम वाला ऊपर रखने दीजिए। 17/20 दो बार 17 × 24। अब आपको 34 kg वही चीज लेकर के आएंगे, ऑप्शन बी। तरीका सेकंड सुनिए, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क है कि थोड़ा सा ज्यादा लिखाता है और वो चीज आप तब बना सकते हैं जब ढंग का प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, प्रैक्टिस से एक बात बता रहे थे कि पहले 90 मिनट का टाइम था और आपके पास 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आपके पास 60 मिनट का टाइम है एसएससी जीडी में और आपके पास 80 क्वेश्चन है। 80 में सबसे मुसीबत वाला जो है वो 20 गो मैथ है और 20 गो रीजनिंग है। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मिनट में ए गो सॉल्व करते होंगे तो 20 गो ये और 20 गो ये, 40 मिनट यही खत्म बचा है आपके पास। 20 मिनट, 20 मिनट में जीके और हिंदी मारना है। तो जीके तो ठीक है, लेकिन जब हिंदी में आप जाइएगा तो पैसेज वगैरह करके कुछ बड़ा बड़ा दे देगा, फंसाएगा, टाइम बर्बाद करेगा, लैंग्वेज बेच देगा। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला स्कोर अगर आप करना चाहते हैं तो अब आपको नॉलेज के साथ साथ आपका स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो अब 60 मिनट में आप नहीं आ पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम का नियम होता है, ध्यान रखिएगा, टाइम जैसे ही कम करता है लैंग्वेज ज्यादा बढ़ाता है और क्वेश्चन का लेवल हाई कर देता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल हाई मिलेगा, आप देखिएगा। आप बहुत ढंग से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वहां पर यही बोलेंगे आने वाला समय में कि हम इतना क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि टाइम पते नहीं चला। आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अच्छे से हर चीज को समझ के बनाइए। लैंग्वेज पर आधारित ज्यादा से ज्यादा सवाल रहेगा और ये आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। यानी अगर मैं कहूँ कि अगर आप 150 सेट बना करके जाएंगे एग्जाम देने तो मेरे लिए आप ज्यादा बेहतर है। 150 सेट बनाइए। 150 सेट का मतलब होता है क्योंकि एक घंटा हम समझ रहे हैं एसएससी। अब जो एक घंटा का पैटर्न किया वो एसएससी सीजीएल में भी एक ही घंटा है, सीएचएसएल वगैरह में भी एक ही घंटा है। और उसका क्वेश्चन का लेवल आप जाकर के देख लीजिए। सिर्फ नॉलेज से सवाल आप कभी नहीं बना सकते हैं, इतना टाइम कम है। आपको अगर चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा सेट का प्रैक्टिस, एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि 150 अगर हम मान लेते हैं कि आप 150 बनाएंगे, 150 का मतलब एक दिन में एक हो तो 30 दिन में 30 हो, तो 30×5 150 होगा, यानी 5 महीना टाइम। तो 5 महीना आपके पास नहीं है, तो नहीं है तो इसी में से कुछ कम कर लीजिएगा। ये मतलब 100 प्लस बना के ही जाइएगा। मतलब आज से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में एक सेट जरूर बने और एक सेट का पूरा डिस्कशन आप कर लें और 80 क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए। हाँ, हम समझ गए 80 क्वेश्चन, और इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। यानी अगर सेट बनाने में एक घंटा लगेगा तो कम से कम 3 घंटा से ऊपर सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने में लगेगा। और हर क्वेश्चन का डिस्कस जो स्टूडेंट नहीं करेगा वो एग्जाम नहीं करेगा, एग्जाम में वहां कहीं ना कहीं छटेगा। आपको हर एक क्वेश्चन पर इतना ढंग का प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपका जो भी एग्जाम में कोई लेवल हो, कोई भी सवाल घुमाने का प्रयास करे 60 मिनट में मेंटेन कर ले। पिछला बार आपके लिए एक घंटा 30 मिनट था, 30 मिनट खत्म कर दिया गया है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि बहुत बड़ा चुनौती है। अगर आप नहीं अभी से लगेंगे तो आने वाला समय में आपसे ये नहीं होगा। अब थोड़ा सा मैं बताऊं ये चीज कि अगर आप चाहते हैं शुरुआती दौर में ना, तो आप ऐसे करिएगा प्रैक्टिस। एक घंटा, दो तरीका होगा, या तो आप एक घंटा में पूरा सवाल बनाइए, जय को बना छोड़ दीजिए, या एक महीना तक, 30 दिन से बेसी यूज मत करिए, करिएगा 30 दिन, एक महीना तक आपको जिस चीज का टाइमिंग 1.5 घंटा है, जिस चीज का टाइमिंग 1 घंटा है, उसको आपको 1.5 घंटा में करना चाहिए। मतलब घरे बैठिए आराम से और उसको 1.5 घंटा में बनाइए आप। 1.5 घंटा में बनाने से क्या होगा ना कि जैसे आपका प्रैक्टिस नहीं है लेकिन बन तो जाएगा। और एक महीना जब आप उसको 1.5 घंटा के हिसाब से ही बनाएंगे ना, तो आप बहुत सा क्वेश्चन सीख चुके होंगे, अच्छा से प्रैक्टिस हो गया होगा, और एक महीना के बाद फिर आप 1 घंटा पर आप आ जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नुकसान क्या होगा, शुरू में अगर 1 घंटा पर अगर आप लग गए तो आप टाइम मैनेज नहीं करने की वजह से आप बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और जैसे ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा आपका होप, आप होपलेस हो जाइएगा।
आपका एनर्जी डाउन होने लगेगा कि मेरे से बनेगा कैसे। तो इसलिए बेहतर है कि पहले 30 दिन आप 1.5 घंटा से बनाइएगा, और 1.5 घंटा के बाद फिर 30 दिन के बाद फिर 1 घंटा में आप जितना मैनेज करना चाहें करें। एग्जाम में उतना ही करिएगा जो सही में अटेम्प्ट हो। सही में अटेम्प्ट होगा तो उसको करना है, और नहीं होगा तो फालतू नहीं मारना है। इस बार जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो देखिएगा आपको अनएक्सपेक्टेड चीज मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो हम सोचबो नहीं किए थे। टाइम कम कैलकुलेशन ज्यादा वो करेगा, क्योंकि आप जैसे ही सवाल देखेंगे ना आप नर्वस हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ था, इससे पीछे क्या किया था कि पहले क्वेश्चन का पैटर्न था 200 क्वेश्चन एसएससी का, 200 क्वेश्चन टाइम 2 घंटा। एकाएक क्या किया, शायद 2016 के लगभग में किया होगा, एकाएक क्या किया कि 100 क्वेश्चन और टाइम दिया 1 घंटा। और 1 घंटा जब वो दिया ना, एक घंटा अभी भी एक घंटा सीजीएल सीएचएसएल जो भी है वो सब 1 घंटा का है, सीपीओ वगैरह सब 1 घंटा का है। तो उसमें क्या किया, वो ऐसा लैंग्वेज का प्रयोग किया ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट नर्वस। वही आपके साथ होगा, देखिएगा लैंग्वेज जब आप जाइएगा तो आप जरूर बोलिएगा कि सर इतना पढ़ ही में टाइम खत्म हो गया। सेम ग्रुप डी के साथ किया था। ग्रुप डी का पिछला बार का सवाल जाकर के देखिएगा, इतना लेवल हाई कर दिया कि मत पूछिए। तो आपको उससे मत घबराइएगा, आपको जितना बनेगा आप उतना ही बनाइएगा, क्योंकि वो 100 सभी स्टूडेंट को लगेगा। और उसमें सिर्फ बढ़िया से समझ के जो बना के गया होगा वो गलती नहीं करेगा, नहीं तो टाइम तो बर्बाद दिखबे करेगा, साथ साथ आप सारा चीज गलत करके आ जाइएगा। अटेम्प्ट उतना ही करिएगा, 4-5 क्वेश्चन तुक्का मार सकते हैं, 5 से बेसी आप नहीं मार सकते। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो 5 से बेसी मत मारिएगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा मार दिया एकाक नंबर के लिए छट गया ना तो बहुत अफसोस होगा। तो इसलिए इस चीज को मेंटेन करके रखिएगा। अब मेंटेन करने का मतलब हुआ कि हर चैप्टर में बेहतर कमांड होना चाहिए, 1 से डेली अब लगाइएगा। देखिए अगर हम खपत पहले 30 केजी करते थे और दाम कम हुआ है तो सामान ज्यादा मिलेगा, और दाम कम का जो फ्रैक्शन है वो 3/4 है। तो हमको पता है कि दाम अगर घटा है तो सामान ज्यादा मिलेगा, तो ये ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर। जो भी सामान हमको दिया जा रहा है मैं अपना खर्च में कटौती करना चाहता हूं, तो कटौती के वजह से हमको जो सामान मिलने वाला है वो कम मिलना है, तो इसमें जो फ्रैक्शन होगा वो कम वाला ऊपर। 85/100 या 17/20 कर सकते हैं, जो मन है वो करिए। सीधा आप 0 से 0 काटिए ना सर, 17/20 0 से 0 खत्म, 2 से 2 बार में 3 से 3 17 × 34 केजी अब आपका खपत होगा। 34 केजी, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी फेल हुए। यदि 22% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, याद रखिएगा। ऐसे सवाल में ये जो टाइप है इसमें एक जगह मेन पॉइंट रहता है, दोनों, या तो वो दोनों पास कह देगा या तो वो दोनों फेल कह देगा। दिए गए डेटा और आप जो लाएंगे उससे सेम घटाना होगा। सेम का मतलब हुआ कि जब भी घटाएंगे या तो पास घटाएंगे या तो फेल घटाएंगे। जब भी घटाएंगे सेम घटाएंगे और सेम परसेंट में ले जाकर, मतलब सेम हम ले जाकर के करेंगे डेटा। परसेंट में अगर टोटल है तो 100% है, 100% में अगर 10% पास है तो 90% फेल है, 20% पास है तो 80% फेल है। तो अब हम अगर इस बात को समझ गए तो हमको ध्यान रखना है कि घटाएंगे या तो पास या तो फेल। जब भी घटाएंगे सेम घटाएंगे, और सेम घटाने पर शुद्ध लाभ या नहीं, शुद्ध पास या फेल परसेंट आएगा शुद्ध में। यानी इसका देखिएगा क्या बोला, क्या ये समझिएगा, कहता है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% अंग्रेजी में फेल हुआ। यदि 22% विद्यार्थी दोनों में फेल हुआ तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो आप देखिएगा जब रिजल्ट बन रहा होगा तो जब हिंदी वाले को कैटेगरी फेल और पास का क्या कंसेप्ट है, फेल का कंसेप्ट है, एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो सब में फेल गिना गए हम,
तो जब हिंदी वाला रिजल्ट बनाने वाला आया होगा तो हिंदी वाले को फेल में एक बार उसको गिन लिया होगा। जब इंग्लिश वाला फेल का रिजल्ट बनाने गया होगा तो इंग्लिश में जैसे ही इसको देखा होगा कि ये फेल किया है, इसको भी फेल में गिन लिया होगा। एक ही आदमी को दो बार फेल में गिना, या पास का डेटा देगा तो एक ही आदमी को दो बार पास में गिन लेगा, या तो फेल रहेगा या तो पास, जो रहेगा उसमें देख लेंगे आप। तो एक ही आदमी को दो बार गिना तो इसका मतलब हुआ कि हमको शुद्ध निकालने के लिए एक बार वो तो हमको हटा देना होगा। अब आइए तो यहां पर कह रहा है कि एक परीक्षा में 36% हिंदी में और 47% इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 36% हिंदी में और 47% अंग्रेजी में ये फेल कर रहे हैं। देखिए फेल कितना हो गए, 83% फेल हुए हैं। ध्यान रखिएगा मेरे अनुसार 83% फेल हुए हैं दोनों में। देखिए तो दोनों है ना, अब आपके पास एक और दोनों का डेटा देगा, या तो फेल का या तो पास का। आगे फेल पास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे पलटा हुआ रहेगा, तो मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज। तो 22% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, तो फेल का ही डेटा फेल के साथ जाना चाहिए। तो 22% यहाँ कह रहा है कि 22% दोनों में फेल हो गए, तो 22% हमको यहाँ से निकाल देना होगा क्योंकि जब भी घटेगा सेम घटेगा, या तो फेल फेल में घटेगा या तो पास पास में। ये फेल का डेटा था, घटा रहे हैं क्योंकि एक ही कैंडिडेट को दो बार गिना गया है, और जब एक को दो बार गिना गया है तो उसका जब डेटा निकालेंगे तो शुद्ध फेल या पास आएगा जो भी निकाल रहे होंगे। यहां से जब हम घटाएंगे तो 61% फेल है, 61% शुद्ध। अब ऐसा कोई भी कैंडिडेट इसमें नहीं है जो दो बार गिनाया है, यहां दो बार था, एक बार हिंदी में गिना गया, उसी को एक बार इंग्लिश में गिना गया, और एक बार फिर से दोनों में गिना गया। तो मैंने दोनों को निकाल करके ये वाला घटा दिया, जैसे ही घटाया एकदम शुद्ध में फेल कितना ही ये पता चल गया। तो 61% फेल इतने कैंडिडेट है जो दोबारा काउंट नहीं है, यानी एकदम सही में 61% फेल है। तो 61% फेल है तो 39% पास है, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए 100%। तो बनाने का सीधा तरीका यही है कि जो भी होगा सेम में घटाइएगा, दोनों में से, चाहे दोनों या तो पास का डेटा दे या तो फेल का डेटा दे, जिसका भी डेटा दे दोनों में से सेम चीज को घटाइएगा, शुद्ध में पास या फेल दे देगा, उसके बाद जो आपको पास डेटा देगा उसके अनुसार आगे बनाइएगा। तो मैंने फेल फेल को घटाया, 61% फेल तो 39% पास। अब आप चाहें तो पेन ना लगाएं ऐसे छोटे छोटे सवाल में तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम सब कुछ जान गए कि हाँ हम जानते हैं इस सवाल को बनाने, तो कैसे बनाएंगे। दोनों में फेल हुआ है तो 47 और 36, 83% दोनों में फेल, और यहाँ 22 दे रहा है, 83 में से 22 घटाए, 61% दोनों में फेल है तो 39% दोनों सब्जेक्ट में पास रहेगा, पास होने वालों की संख्या 39% होगा। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में तथा 19% दोनों में फेल हुए। यदि 120 विद्यार्थी पास हुए हैं तो कितने विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। तो आप देखिए तो हमको पता है ना कि फेल फेल में से दोनों जो फेल देता है उसको घटा देते हैं तो फेल आता है। तो हम देखते हैं कि फेल कितने हैं। तो पहला चीज कि 58% फेल हुआ है इंग्लिश में और 37% फेल हुआ है गणित में। तो यहां से इन लोग फेल कितना हो गया 95% फेल किया। तो 95% तो ये दो सब्जेक्ट में फेल है ये था, यहाँ अलग से फिर दे रहा है कि 19% दोनों में फेल है। तो ये जो फिर जो दोबारा देता है उसको क्या करते हैं घटा देते हैं, तो क्या आता है शुद्ध में फेल या पास। तो फेल का डेटा है तो फेल आएगा, तो शुद्ध में फेल होगा 76। तो फेल हो रहा है जी 76%, फेल हो रहा है 76%। तो पास कितना परसेंट होगा 24%, क्योंकि आपको पता है कि अगर फेल 76 है तो 24% पास होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना परसेंट चाहिए 100%। तो फेल है अगर 76% तो पास होगा 24%। अब आपको यही बात हम बताए थे कि यहाँ के बाद आपको आगे जो कुछ दिया रहेगा आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ कुछ भी दिया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि 120 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो पास का तुलना पास के साथ, फेल हो रहे हैं 76%, पास हो रहे हैं 24%,
परसेंट में 24% पास है और संख्या में 120 को पास है, तो 24% का वैल्यू 120 को, तो 1% का जो वैल्यू है 5 को, तो 100% का जो वैल्यू है वो 500, 100% का मतलब टोटल यानी 500 स्टूडेंट इसमें शामिल हुए थे, 500 स्टूडेंट इसमें शामिल हुए थे। तो शामिल होने के बाद दो ही कंडीशन ना होगा, एक फेल करेंगे एक पास करेंगे, तो 500 स्टूडेंट में 76% फेल थे, 24% पास थे, 24% मतलब 120 वो पास थे। शामिल पूछ लिया, फेल पास कुछ भी पूछेगा जिसका डेटा उसी के साथ, यहाँ दोनों सब्जेक्ट में फेल 95, वास्तव में दोनों में फेल 19, घटाएंगे 76% फेल, तो 76 फेल तो 24 पास, 24% 120 के बराबर, 1% 5 के बराबर, 100% 500 के बराबर। इस परीक्षा में 500 विद्यार्थी शामिल हुए थे। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% गणित में पास हुए, 27% दोनों में फेल हुए, 248 विद्यार्थी पास हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल थे। यही मैं बोला था कि फेल पास बोलते रहता है, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है और ना उलझना है, आपको देखना यह है कि हम जब भी परसेंटेज को घटाते हैं सेम में घटाते हैं, सेम में हम आराम से ला सकते हैं, आराम से सेम ही घटाते हैं, पास को पास के साथ घटा सकते हैं, फेल को फेल के साथ, जब जोड़ेंगे तो दोनों आएगा और दोनों दिया भी रहेगा, वही चीज घटाना है। तो अब देखिए आपके पास क्या है, ध्यान रखिएगा कि 70% अंग्रेजी में और 65% गणित में पास, 27% दोनों में फेल। तो पहले ये बताइए कि अगर हम अपना हिसाब से जोड़ेंगे तो 70% इंग्लिश में और 65% मैथ में, तो ये दोनों में ना आ रहा है जी, दोनों में क्या आ रहा है, पास। कितना आ रहा है, 135% क्या है, दोनों में पास है। तो जब मेरे पास जोड़ने पर दोनों में आएगा तो मेरे पास घटाने के लिए भी दोनों ही होना चाहिए, मेरे पास घटाने के लिए भी दोनों ही होना चाहिए, और जब भी घटाएंगे हम सेम चीज घटाएंगे। यहाँ पर हमको कहा जा रहा है कि ये दोनों में 27% फेल, हम यहाँ दोनों लिख रहे हैं। अब बताइए दोनों में 27% फेल है तो दोनों में कितना परसेंट पास है, 73%, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए 100%। 100% में अगर दोनों में 27% फेल कर रहा है तो दोनों में 73% क्या करेगा, पास करेगा। अब दोनों में ये 73% पास है और यहाँ दोनों में 135% पास है, दोनों का पास यही ना घटेगा, या तो दोनों का फेल यही घटेगा। तो दोनों का पास आ गया, इसको निकाल लिया यहाँ से 62% कह रहा है कि दोनों में पास है और 248 विद्यार्थी पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज में 62% पास था और संख्या में 248 को पास है। तो हम कह सकते हैं कि 62% का जो वैल्यू है वो 248 है, तो 1% का जो वैल्यू है वो 4 है, तो 100% का वैल्यू 400। इसका मतलब है कि इस एग्जाम में टोटल कितने शामिल हुए थे, 400 शामिल हुए थे। तो पास को पास के साथ घटा सकते हैं, फेल को फेल के साथ, देगा तो डायरेक्ट घटा लेंगे, नहीं देगा तो निकाल के घटाएंगे, लेकिन सेम चीज ही घटना चाहिए। एक छात्रवास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलते हैं, 75% हॉकी 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। लैंग्वेज समझते जाइएगा, चीजों को सीखते जाइएगा, जितना ज्यादा सीखेंगे अप्लाई करेंगे उतना स्पीड बनेगा, ओरली बनेगा, बहुत सा सवाल ऐसे ही बनने लगता है। देखिए तो कुछ ना कुछ तो जरूर खेलेंगे। तो सबसे पहला चीज कि अगर लड़का 75% हॉकी खेलता है और प्लस में 45% फुटबॉल खेलता है, तो ये दोनों खेलने वालों की संख्या कितना है, 120% क्या है, दोनों खेलता है 120%। हम लोग तो सुने हैं कि परसेंट में तो केवल 100 होता है, परसेंट में क्या होता है, 100 होता है, यहाँ जोड़ रहे हैं तो यही ना लैंग्वेज है जी। 45% हॉकी खेलता है,
75% हॉकी 45% फुटबॉल खेलता है, तो हम जोड़ के देखे ना तो 120% हो रहा है खेलने वालों की संख्या। अब क्या इसमें कहीं दोनों दिया हुआ है? नहीं। हाँ तो ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर सुन लीजिए। अगर दोनों दिया गया है तो जो भी दिया रहेगा उनको जोड़ करके दोनों में से घटाना है। घटाते समय ध्यान रखना है पास पास में से घटेगा, फेल फेल में से घटेगा, खेलने वाला में से घटेगा, नहीं खेलने वाला नहीं खेलने वाला में से घटेगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर दोनों दिया हुआ रहेगा तो घटा के सूद निकाला करते हैं, और अगर दोनों नहीं दिया हुआ रहेगा, अब इसमें तो साफ है कि दोनों पते नहीं है कि दोनों के क्या है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर उसमें दोनों नहीं दिया गया है तो 100% मेन होता है और वही होता है टोटल, तो 100% के अलावा जो आएगा ना वो डायरेक्ट दोनों में काउंट होगा। अगर दोनों में दिया गया है तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों में नहीं दिया गया है तो 100% के अलावा जो आएगा, जैसे इससे पीछे वाला सवाल में जब जोड़े तो 135% हो गया, वहां मैं ये बात नहीं बोला था कि 100% में 100 होता है, वहां इसलिए नहीं बोला था क्योंकि वहां पर दोनों दिया गया था इसलिए हम नहीं बोले थे, लेकिन यहां दोनों नहीं दिया गया तो अगर दोनों नहीं दिया रहेगा तो जोड़ने पर अगर 100% का पार करेगा तो वो लोग होंगे जो दोनों खेलते होंगे, तो 100 इसमें से निकाल लेंगे आप। 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों खेलते हैं, और ऐसे लोग होते भी हैं, सवाल में पूछेगा चाय कॉफी देगा, फुटबॉल क्रिकेट देगा या कोई भी चीज हॉकी वगैरह देते रहेगा, तो कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जी जो हॉकी भी खेलते होंगे और फुटबॉल भी खेलते होंगे, ऐसे भी लोग होंगे, तो जब ऐसे लोग को कब पता चलेगा, जो 100% को क्रॉस कर जाएगा, 100% जैसे ही पार करेगा वो उनका वैल्यू आएगा जो फुटबॉल भी खेलते होंगे और हॉकी भी खेलते होंगे। तो यहाँ 20% पता चल गया कि दोनों खेलने वाले कितने परसेंट है, 20% है, और ये कब ऐसे देखेंगे जब दोनों नहीं देगा, तब दोनों नहीं देगा तो 100 से जो पार करेगा वो दोनों में गिनती आएगा, और अगर दोनों देगा तो दोनों दोनों घटा देंगे तब जाकर के शुद्ध आएगा, तब 20% दोनों खेलने वाले हैं, कुल विद्यार्थी 600। अब 600 का केवल 20% ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, तो संख्या में हम देख लेते हैं कि 600 का 20% होता कै गो है, 120 को होता है, इसका मतलब 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल ले रहे हैं, तो इस सब बात को ध्यान रखते जाइएगा। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी जरूर पीते हैं तथा 40 कर्मचारी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? देखिए इस टाइप में दो को होता है, या तो दोनों परसेंटेज दिया रहता है या दोनों का परसेंटेज नहीं दिया रहता है, तो दोनों परसेंटेज जब नहीं दिया जाता है तो हम जब जोड़ेंगे दोनों को तो जो 100 पार करेगा ना वो दोनों का आएगा। तो देखिए 72% चाय पी रहे हैं, 44% कॉफी पी रहे हैं, तो दोनों मिला के कितना है? 116। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों की अगर हम बात करेंगे तो 72% चाय और 44% कॉफी, तो दोनों मिलाकर के 116% पूरा दोनों मिला के पीते हैं, और 2% में टोटल 100 ही होता है, इसका मतलब है कि ये जो 100 के अलावा है ना ये दोनों का, तो दोनों पीने वालों का जो परसेंटेज है कितना है? 16। ये आपको लिखने की जरूरत है सीख जाने के बाद? कोई जरूरत नहीं है, सीधा गिने 72, 44, 116, खाली 16 गिनेंगे। 16% दोनों पीते हैं, संख्या में कह रहे हैं कि 40% दोनों पीते हैं, तो 16% संख्या में दोनों पी रहे हैं और संख्या में 40 पी रहे हैं, तो 16% का वैल्यू 40। हमको पुराना कितना है? 100। तो 100 पुराने के दो रास्ते होंगे, मैं दोनों बताता हूँ। 16% का वैल्यू 40, तो 1% का वैल्यू 16 × 32, 16 × 5, 80, 1% का वैल्यू 2.5, तो 100% का वैल्यू 250। या हम जान गए कि 16% दोनों पीता है, तो 16% में 40 को है, तो 4% में कितना है? 10 को है, तो हमको 100% पुराना है, 25 गुना है, तो ये भी कई गुना होगा, 25 गुना ही होगा, 25 गुना में कितना आ जाएगा? 250। 100% लाना है, चाहे आप पूरा काट के लाइए या जैसे भी करके लाइए, ये वाला ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं बड़ा काम करता है। कुल मिला के आपको 100% पुराना है, आप ऊपर नीचे सेम गुना कर लीजिए दोनों तरफ, आंसर आ जाएगा।